एक मिनट पहले यहाँ पहुंचा होता तब तक मैं बस के अंदर होता। बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है ये। ओ भाई साहब, ये कौन सा डॉग है भाई, इतना भयंकर डॉग कम शेर ज्यादा लग रहा है। चलो कुछ लोग तो है यहाँ पे भाई, यहाँ पर तो लोग भी नहीं दिखते हैं कहीं कहीं पे। अभी मेरे को एक सीक्रेट टनल के बारे में पता चला, ये सीक्रेट टनल तो सीधा एकदम नीचे ले आया है मेरे को। Hey guys, good morning. आज मेरा तीसरा दिन सर्बिया में और मैं हूँ नोवी सैद में। आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही प्रिटी टाउन में, जो कि नोवी सैद से एकदम पास में है, जस्ट 10 किलोमीटर्स। टाउन का नाम है सेरेम्स्की कार्लोकी, जैसे कि आपको मेरे टाइटल से पता चल रहा होगा। और वहाँ जाने के लिए मैं लोकल बस यूज़ करूँगा। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9 AM। मैं वेट कर रहा हूँ अपने हॉस्टल के मैनेजर का, क्योंकि मेरे को चेकआउट करना है। तो मैं चेकआउट करके अपना बड़ा बैग कहीं रख दूंगा और छोटा बैग ले चलूंगा साथ में, क्योंकि शाम को वापस आने के बाद मेरे को बस करके जाना है सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड। अपना बड़ा वाला बैकपैक अपने हॉस्टल के ऑफिस में रख के निकल लिया हूँ। मैं छोटा बैकपैक लिया हुआ हूँ भाई। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जा रहा हूँ पास के बस स्टॉप से, जहाँ से मेरे को बस नंबर 61 या 62 मिलेगी। एक्चुअली 3 बस जाती हैं नोवी सैद से सेरेम्स्की कार्लोकी की, बस नंबर 60, 61 या 62। तो इन तीनों में से आपको जो भी मिले आप बैठ जाओ सीधे सेरेम्स्की कार्लोकी। भाई ये रास्ते में पड़ा है नोवी सैद का फ्ली मार्केट। जैसा फ्ली मार्केट मैंने कल मिस कर दिया था सबौतिका में, लगभग वैसा ही है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सब कुछ ओपन है। अभी आप यहाँ 2-3 बजे के बाद आओगे तो सब कुछ बंद मिलेगा। यार मेन रोड पे आ गया हूँ मैं और यहीं से बस मिलेगी 60, 61, 62 कोई भी। मैं जैसे यहाँ पहुँचा सामने से बस जा रही थी 61, मतलब कि एक मिनट पहले यहाँ पहुँचा होता तब तक मैं बस के अंदर होता। वेट करना पड़ेगा, आई डोंट नो नेक्स्ट बस कब आएगी। ये छोटा सा बस स्टॉप है मेन रोड पर, यहाँ पर लिखा हुआ है बस नंबर जो जो यहाँ पे रुकेंगी। कई सारी बस नंबर है यहाँ पर 60, 61, 62 तीनों लिखा है, मतलब कि तीनों रुकेंगी, प्लस साथ में डेस्टिनेशन भी है, लेकिन वो सर्बियन लैंग्वेज में तो समझ में नहीं आएगा। लगभग हर आधे घंटे पे एक बस है, तो मेरे को अब आधे घंटे यहाँ वेट करना पड़ेगा। सेरेम्स्की कार्लोकी विलेज पे पहुंच चुका हूं और बहुत ही छोटा सा विलेज है ये। 10 मिनट लगे हैं नोवी सैद से यहाँ पहुंचने में। जो फेयर था बस का वो था सिर्फ 135 दिनार। तो बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है ये, और इस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो है सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 9000, मतलब कि 9000 लोग के आसपास इस विलेज में रहते हैं। बस चलता हूँ सेंटर के पास, सेंटर बहुत ही पास में यहाँ से, मैप पे दिखा रहा है 100 मीटर, मतलब ये आसी पास कहीं होगा। बहुत ही छोटा सा सेंटर है इस विलेज का, सेंटर का नाम है TRG ब्रांका, मतलब कि ब्रांका स्क्वायर। और आसपास कई सारे चर्च हैं, कैथेड्रल्स हैं। भाई ये तो हो गया ब्रांका स्क्वायर, अब मैं चल रहा हूँ विधि कोवैक, जो कि व्यू पॉइंट है पूरे सेरेम्स्की कार्लोकी विलेज का। वहाँ जाके पूरा विलेज का पैनोरामिक व्यू आता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा व्यू आता है, एकदम टॉप पर है वो, बहुत दूर नहीं है, दिखा रहा है ओनली 400 मीटर्स बाई वॉक। मेन उस व्यू पॉइंट के लिए ही मैं सेरेम्स्की कार्लोकी आया हूँ, नहीं तो फिर इस टाइप का स्क्वायर तो आप नोवी सैद में भी देख चुके हो, सबौतिका में भी देख चुकी हो, लेकिन जो वहाँ से व्यू आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। भाई ऐसे हैं सर्बिया के विलेज, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे लग रहा आगे जाके, बहुत लंबा नहीं है, छोटा ही रास्ता है, बहुत ही छोटा सा विलेज है ये। तो यहाँ भी सब कुछ आसपास ही है,
आज संडे है तो चर्च की बेल बज रही है कई जगह यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये कौन सा डॉग है भाई, इतना भयंकर डॉग कम शेर ज़्यादा लग रहा है। भाई इस गांव में हर तरफ कुत्ते ही कुत्ते हैं, सब मेरे को देख के भौंक रहे हैं। कहीं कोई खुला हुआ मिल गया ना तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। कुत्ते भी ना एकदम बड़े बड़े हैवी हैवी भयानक भयानक, लोग मेरे को भाग गए तो खा जाएंगे लग रहा है। टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ व्यू पॉइंट पे। अब यहाँ से ही पूरे विलेज का व्यू आना शुरू हो गया है। देखिए भाई, गूगल मैप पे तो यही रास्ता दिखा रहा है ऊपर जाने का। भाई ये फाइनल गेट है व्यू पॉइंट पे जाने का, लेकिन आई डोंट नो व्हाई क्यों बंद पड़ा हुआ ये। बस थोड़ा ऊपर जाते ही पूरे टाउन का व्यू आता है। यहाँ से भी आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ऊपर से एकदम पूरे चारों तरफ का आता है। पता नहीं क्यों बंद है, अब कोई दिख भी नहीं रहा आसपास में, कोई से पूछूं, कुत्तों के अलावा कोई नहीं यहाँ पे। फिलहाल व्यू ऐसा है यहाँ से, और ऊपर जाते ही इससे भी अच्छा हो जाता। ये 1 अप्रैल तक क्लोज्ड है, ये डेट लिखी हुई है अंदर, किसी ने हल्का सा लिखा हुआ है। तो विंटर में ये क्लोज रहता है, सिर्फ समर में खुला रहता है, मतलब कि मेरे ख्याल से 6 मंथ क्लोज रहता होगा। मेन मैं इसके लिए ही यहाँ पे आया था व्यू पॉइंट के लिए, और यही बंद निकला। और इंटरनेट पे कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं है कि विंटर में बंद रहता है और समर में खुला रहता है। इवन गूगल मैप्स भी दिखा रहा है कि ओपन है। अब क्या किया जा सकता है, किस्मत लग रहा है सर्बिया में मेरी साथ नहीं दे रही है। जहाँ जा रहा हूँ वो बंद ही मिल रहा है, कल मार्केट बंद मिली, आज ही बंद मिला। थोड़ा बहुत व्यू यहाँ से आप देख लो, हल्का फुल्का आ जा रहा है, चल रहा हूँ वापस यहाँ से नीचे फिर। टाइम है वापस नोवी सैच जाने का, लेकिन उससे पहले मैं एक बेकरी में आया हूँ क्योंकि लग रही थी भूख। तो मैंने एक ये लिया है, इसका नाम है सापा। सापा कुछ लोकल डिश है, आई डोंट नो, सापा नाम है। इसके अंदर चीज़ भरा हुआ है और कुछ वेजीज है। ये मेरे को बड़ा 60 दिनार का ये है। अब चलता हूँ वापस बस स्टॉप जहाँ पर मेरे को बस ने ड्रॉप किया था, फिर वहाँ से वापस नोवी सैच के लिए बस लेता हूँ। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ वापस नोवी सैच। और यहाँ हो रही बारिश, भाई बारिश तो पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही मेरा। और अब मैं जा रहा हूँ पेत्रो वरादिन फोर्ट्रेस, बस बारिश तेज ना हो, थोड़ी तो हो रही है, इतने में काम चल जाएगा। से तेज हुई तो बाहर निकल नहीं पाऊंगा फिर। चलो कुछ लोग तो है यहाँ पे, लेकिन भाई यहाँ पर तो लोग भी नहीं दिखते हैं कहीं कहीं पे। ऑलमोस्ट बस पहुँचने वाला हूँ। भाई ये है पूरा पेत्रो वरादिन फोर्ट्रेस, इसके अंदर म्यूजियम भी एक्ट हो। म्यूज़ियम में मेरे कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं म्यूज़ियम जाता नहीं हूँ। और आप यहाँ कार से भी आ सकते हो, कार कर आने का रास्ता अलग है, वॉक करके आने का रास्ता अलग है। कुछ सोवेनियर शॉप्स भी हैं, और आगे जाके पूरे टाउन का शायद व्यू आएगा, तो आगे चल के देखते हैं। स्रेम्स्की कार्लोकी व्यू पॉइंट बंद होने की वजह से मैं पूरे टाउन को देख नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, पेत्रो वरादिन के व्यू पॉइंट से एटलीस्ट पूरा नोवी सैच टाउन दिख रहा है। अब बहुत ही प्यारा व्यू है, साथ में डैन्यूब रिवर है जो कि यूरोप की 2nd लार्जेस्ट रिवर है और 10 कंट्रीज में फ्लो होती है। साथ में एक प्यारा सा ब्रिज भी है, ये देखिए। इस फोर्ट में कई सारे व्यू पॉइंट है। पहला जो मैंने आपको व्यू दिखाया वो थोड़ा फोर्ट के लेफ्ट हैंड साइड था,
अगला व्यू जो है वो थोड़ा आगे जाके है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से भी आपको व्यू दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से व्यू पसंद आया होगा। अभी मेरे को एक सीक्रेट टनल के बारे में पता चला। मैं बस कोई से रास्ता पूछ रहा था कि वापस सिटी में कैसे जाना है, कोई शॉर्टकट है क्या, तो उन्होंने बोला कि एक टनल है अंडरग्राउंड, अब उसके अंदर जाओ, वहाँ से फिर रास्ता निकलेगा सिटी का। तो देखता हूँ, तो ये कोई सीक्रेट टनल है, नॉर्मल विजिबल नहीं है, और अगर मैं किसी से पूछता ना तो मेरे को पता नहीं चलता। मैं जहाँ से आया था वहीं से वापस जा रहा था, चलता हूँ इसके अंदर। फिर बहुत अंधेरा है, कोई दिख भी नहीं रहा है। भाई ये सीक्रेट टनल तो सीधा एकदम नीचे ले आया है मेरे को। कुछ यहाँ से निकला है टनल, और ये बिल्डिंग्स फिर से दिख रही हैं।